आगे बढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की मीटिंग की सदारत की। आज राजभवन में हुई इस मीटिंग में श्राइन बोर्ड के मुअज्जज मेंबरान स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, डीसी रैना, कैलाश मेहरा साधु, के एन राय, के एन श्रीवास्तव और पीतम्बर लाल गुप्ता, डॉक्टर शैलेश रैना, प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री और मंजू गर्ग शरीक रहे। उन्होंने यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाने के हवाले से अपनी अपनी तजावीज रखी और नकायस से पाक यात्रा कराने के लिए जारी कामों और मुस्तकबिल के मनसूबों पर भी मीटिंग में तबादले ख्याल किया गया। एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और श्राइन बोर्ड सीईओ ने एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी और मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह कराया। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी और लंगर दिगर खिदमात के लिए एनजीओ की मदद और यात्रियों के लिए इंश्योरेंस वगैरह पर बातचीत हुई। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एस राजकुमार गोयल, डीजीपी दलबाग सिंह, आरआर सुपन, स्पेशल डीजीसीआईडी मुकेश सिंह, एडीजीपी जम्मू, डिविजनल कमिश्नर्स, इंतजामी सेक्रेटरीज, एडिशनल सीईओज, श्राइन बोर्ड और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और आर्मी के दिगर सीनियर अफसरान ने भी वर्चुअल मोड में मीटिंग में शिरकत की। जानकारी के मुताबिक अगरचे यात्रा की तारीखों के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है, लेकिन जराए से मौसूल होने वाली इत्तलात ये कहती हैं कि जून के आखिरी हफ्ते में यात्रा करने पर गौर किया जा रहा है। सांबा पुलिस ने हीरोइन सप्लाई करने वाले दो बैन रियासती मुजरिमों के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। उनके पास से 16,71,500 रुपए रकम बरामद हुई है और 20,000 रुपए की मंशियात भी मिली है। मंशियात ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। सांबा पुलिस ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बेनाम तोश की रहनुमाई में ये कार्रवाई अंजाम दी। गिरफ्तार मुलजमीन की शनाख्त हरप्रीत सिंह उर्फ राजू हैप्पी वल्द मलकीत सिंह और रंजीत सिंह उर्फ कालू वल्द दर्शन सिंह के तौर पर हुई है। दोनों देवीदास पुरा तहसील जिला अमृतसर के रहने वाले हैं। पुलिस स्टेशन घगवाल में एनडीपीएस एक्ट के मुतालिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया है कि पंजाब नंबर की मुश्तबा गाड़ी को रोकने का इशारा दिया गया था। ड्राइवर ने नाका पोस्ट पर चेकिंग के दौरान फरार होने की कोशिश की, तहम ताकुब करके उसे पकड़ लिया गया। जिला सांबा में हेरोइन के कुल 17 टॉप सप्लायर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 3 औरतें भी शामिल हैं। वजारत अखिलती उमूर ने कुरान दाजी के जरिए जम्मू कश्मीर के आजमीन हज का इंतखाब कर लिया है। रैंडम डिजिटल सिलेक्शन के जरिए आजमीन के नाम मुंतखब किए गए हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के 1,320 लोगों को मुंतखब किया गया है। बिना महरम के जाने वाली 132 खवातीन का भी सिलेक्शन हुआ है। मुंतखब आजमीन हज की तफसीली फहरिस्त मुतालका अफराद की मालूमात के लिए शाया कर दी गई हैं और वो बहुत जल्द दस्तयाब हो जाएंगी। उधर लद्दाख के कुल 225 आजमीन का कवर इंतखाब अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे लद्दाख से जितने भी हमारे आजमीन हुजाज थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। लद्दाख से इस साल जो है 475 एप्लीकेंट्स आए, तो रिकॉर्ड तो हमारी 100 गुना जो है वो डबल हमारे फॉर्म आए थे। तो लास्ट ईयर के नस्बत में इस 150 से 200 तक हमारा होता था, इस साल जो है 475। जब से भारत सरकार और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये निर्णय लिया कि लद्दाख का कमेटी अलग से बने, तो वहाँ की कमेटी ने इतने मेहनत की, लोगों के ये हज से रिलेटेड वहाँ पे जो प्रचार हुआ उसके बदौलत आज जो है बहुत सारे हमारे आजमीन ने फॉर्म भरे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे जितने भी फॉर्म आए, जितने भी हजार थे, वो सारे सिलेक्ट हो गए। तो इसमें खासकर भारत सरकार के हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और हज कमेटी ऑफ इंडिया के सारे आला अहदेदार और हमारे एमपी साहब का हम बिल्कुल दिल की हमी गहरों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुश आमदेद करती हूँ। हमारे लद्दाख की पहली दफा जो कमेटी एक तश्कील हुई है उसके चेयरमैन यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था। जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनका नंबर था 14,216। उसमें से जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, जैसे दो स्पेशल कैटेगरीज थी उनका कुरानी होगा, एक 1320 जो 70+ हैं और 132 जो फीमेल से। तो यानी जो कुरा है वो सिर्फ 12,765 लोगों का होगा। तो अभी हमें कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है,
तो हम उसके इंतजार में हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना हुआ है, कितने अप्लाई किया, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट फिगर्स हैं, किन लोगों ने कितने अप्लाई किया और कितने लोगों का क्लियर होकर आएगा। जैसे वो इंफॉर्मेशन, ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। काकरन कुलगाम में आज एक बार फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। यहाँ मुकीम एक राजपूत की आखिरी रसूमात में मकामी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनके दुख में बराबर के शरीक रहे। यहाँ मुकीम बलबीर सिंह नामी का शख्स का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। बलबीर सिंह CISF में बहसियत हेड कॉन्स्टेबल तैनात थे और इनका घर में ही इंतकाल हुआ। यहाँ मुकीम राजपूतों ने मुस्लिम बिरादरी का शुक्रिया अदा किया है। वाजरे की माजी में भी इस तरह की भाईचारे की मिसालें यहाँ कायम होती रही। नाम बलबीर सिंह, इहंदिस फादरस ओस नाव सुरिंदर सिंह। CISF-स मंज ओस ये काम करन वारिया वक्त पेठ, 10-15 वरी आसिनस गमित। तो ये ओस आमुत यव घर 2-3 दो ब्रोंठ, इहंदिस गो ये हार्ट अटैक थोड़ा, पत गो ये श्रीनगर रेफर SMHS हॉस्पिटल्स मंज, तत पे इहंदिस ऑपरेशन करन, तो ऑपरेशन थिएटरस मंज गमित नेचुरली डेथ। इल्ज़ाम येतन गसन छु, ये छु मुस्लिम कम्युनिटी करन असली येत, अस येतन मुस्लिम कम्युनिटी नफर, तो ये जन अकलेती फिरक छिम कमई बिचार 2-3 घर, ये छु अस मतलब इखलाकी फर्ज छु, दीनी फर्ज इस्लामी फर्ज अतन ये जमा गसन, इन हमदर्दी करन ये अतम शरीक सपदन, तो इनशाला पत् पे रूदमुत करान ब्रोह कुन। अमृतसर एयरपोर्ट से ये पोस्टेड थे, यहाँ के लोकल है, इनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से कल शाम को डेथ हो गई है। तो CISF की तरफ से इनको सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए और इनके फैमिली के साथ सांत्वना देने के लिए हमें भेजा गया है। तो इनके फैमिली को जो भी सरकारी मुआवजा है और जो भी बाकी CISF की तरफ से हम मदद कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे। ये दुख भारत सिर्फ इस परिवार का नहीं है, इस फैमिली का नहीं है, ये पूरे इलाके का है, पूरे काकरन का है, हम सब का है और पूरे जिले और पूरे कश्मीर का ये दुख है। और मैंने भी जब सुना तो मैंने भी सारा काम ऐसे ही छोड़ा कि मैंने सोचा कि मेरे घर में ये तकलीफ पहुंचे, मैं भी इस तकलीफ में उस फैमिली के साथ शामिल हो जाऊं और अपनी जाहिर हमदर्दी का इजहार करूं।